हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एलजेब्रा की शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है कि इफ़ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो हमें निकालना है एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र क्या रहेगा, एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर इनका सम क्या रहेगा, और आठ, एक्स की पावर आठ प्लस वन बाई एक्स की पावर आठ इसका सम क्या रहेगा। ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है उसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये थ्री के इक्वल है, लेकिन मैं जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ, मैं टी के इक्वल करता हूँ, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टी। आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ स्केयर कीजिए। तो आप इसको सोल्व कीजिए, ए प्लस बी का स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है, टी का स्केयर। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर। ठीक है, एक्स से एक्स एक्स कैंसिल, ये प्लस का टू राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, टी स्केयर माइनस का टू। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स टी के इक्वल है तो एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस टू। तो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या आया है, एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस का टू। ठीक है, अब ये क्या है क्वेश्चन, ये तो जनरल था कि x प्लस का वन बाई एक्स इज इक्वल टू टी है, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी दे दी, थ्री, और अब हमें ये एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो क्या रहेगी, t का स्केयर माइनस का टू। t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तीन, तीन का स्केयर माइनस टू इज इक्वल टू सेवन, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब एक पावर से हम डबल पे आ गए। ठीक है, अब अगर मैं डबल से फोर पे जाऊं तो अब क्या होगा, अब हमें वन से टू पे आया था, अब मैं यहाँ से इस लेवल पे जाऊंगा, तो इसके लिए भी यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टी का स्केयर माइनस टू। अब टी यहाँ पे क्या है, टी यहाँ पे ये वैल्यू है, क्योंकि फर्स्ट में टी क्या था, थ्री, अब मैं सेकंड स्टेप से थर्ड पे आ रहा हूँ, तो टी का क्या है यहाँ पे, सेवन, तो सेवन का स्केयर माइनस टू इज इक्वल टू फोर्टी सेवन। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन का आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब मुझे चार से आठ पावर पे जाना है, एक्स की पावर आठ प्लस वन बाई एक्स की पावर आठ। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे टी स्केयर माइनस टू, यहाँ पे टी क्या है, फोर्टी सेवन, फोर्टी सेवन स्केयर माइनस टू, तो आंसर रहेगा टू टू जीरो सेवन, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास इस टाइप से कोई प्रॉब्लम हो और आपको इस पावर का डबल यानी स्केयर फोर और एट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्या है, नेगेटिव साइन है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा वो ड्राइव करते हैं हम। एक्स माइनस वन बाई एक्स को मैं टी के इक्वल लिखता हूँ। ठीक है, अब क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ स्केयर कीजिए, x माइनस वन बाई एक्स का स्केयर इज इक्वल टू टी का स्केयर। अब ये किसका फॉर्मूला बना, a माइनस बी का स्केयर, ये किसके इक्वल होता है, x का स्केयर प्लस वन बाई एक्स इसका होल स्केयर माइनस का टू एक्स इंटू वन बाई एक्स। राइट हैंड साइड में क्या है, t का स्केयर, अब आप इसको कैंसिल कीजिए x से x, तो यहाँ पे क्या आया, एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर को, ठीक है, माइनस टू ये वाला, राइट हैंड साइड क्या है, टी का स्केयर। ठीक है,
तो अब माइनस टू को पॉजिटिव में लिखिए, तो अब आप लिख सकते हो कि एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू टी स्केयर प्लस का टू। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि एक्स माइनस वन बाई एक्स टी दिया हुआ है तो उसका एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर की वैल्यू निकालिए, तो वो वैल्यू ये रहेगी, ठीक है। और टी क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। तो टी क्या दिया हुआ है, थ्री, और हमसे ये वैल्यू पूछी गई है, तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या रहेगी, टी का स्केयर यानी तीन का स्केयर प्लस टू, तीन तीन नौ और दो ग्यारह, ये आंसर आ गया। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे आप एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।